वेलकम टू बी बैंकर स्वागत है आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास मुझे ना बहुत दिनों से मतलब आप लोग कमेंट करके मुझे बता रहे थे कि मैम स्पेसिफिक Uh, मतलब जगहों से या चीजों से या प्रोफेशन से जो संबंधित शब्द होते हैं वो करवाइए है। तो भाई आज वही वाली क्लास है आज किचन में रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे हमारे घर की मेरी आपकी हम सब की किचन में यानी कि जो रसोई घर होता है हमारा जहां पे खाना बनता है स्वादिष्ट वाला वहां पर किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मतलब अंग्रेजी में और कैसे उनको अपनी जिंदगी में आप बिल्कुल एक तरीके से शामिल करके अंग्रेजी बोलना घर पे बैठे बैठे किचन में खाना पकाते पकाते सीख सकते हैं आज यही सब जानेंगे आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए ढेरों से शब्द जो आपको मदद करेंगे किचन में अंग्रेजी बोलने को लेकर के यानी कि आपकी प्रैक्टिस होगी सुपर क्लास चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते वक्त बेलाइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग क्लास आए तो आपको जरूर से पता लग जाए और जैसा कि अगर आप कभी कोई रिक्वेस्ट करें कि मैम इस पे क्लास करा दो उस पर क्लास करा दो तो मैं जब वो क्लास कराऊं तो आपको जरूर से पता लग जाए तो बेल नोटिफिक जरूर दबा दीजिएगा और आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो और हमारी क्लासेस को अपनी हर सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हैं ना बेशक करा करिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास तो सबसे पहला शब्द है हीट हीट का मतलब होता है गर्म या गर्मी ठीक है दोनों ही तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे हीट द फूड खाना गर्म कर दो हीट द फूड खाना गर्म कर दो बढ़ते हैं आगे बॉयल यानी कि उबालना उबलना या उबालना इस्तेमाल देखिए आलू उबाल दो पोटैटोज आलू उबाल दो बॉयल द पोटैटोज बर्तन यानी कि डिशेस या यूटेंसिल्स देखिए स्पेसिफिकली बर्तन जब आप कहते हैं तो उसमें सारे बर्तन आ जाते हैं है ना तो वैसे में हम लोग यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं जो स्पेसिफिक तरीके से जो शब्द है इसके लिए डिशेस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं तो जो आम बोलचाल की भाषा है वहां पे डिशेस का इस्तेमाल ज्यादा होता है चलिए इस्तेमाल देखते हैं बर्तन साफ कर लो डू द डिशेस या क्लीन द यूटेंसिल्स अब भाई क्लीन द यूटेंसिल्स जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है तो रेगुलर गो टू लाइफ में ना हो नहीं पाता सही तरीके से ठीक है तो आप सिंपली डू द डिशेस भी बोल सकते हैं आराम से इस्तेमाल करिए कोई समस्या नहीं है ठीक है चलिए बढ़े आगे वॉश यानी कि धोना वॉश शब्द का अर्थ क्या है धोना मैंने चावल धो दिए हैं आई हैव वॉश्ड राइस मैंने चावल धो दिए हैं आई हैव वॉश्ड द राइस सीव एस आई ई ई सीव ठीक है इसका मतलब होता है छानना छानते हैं ना ठीक है उसको कहते हैं सीव सीव द फ्लोर आटा छान लो सीव द फ्लोर आटा छान लो ड्राई यानी कि सुख सुखाना या सूखा हुआ ठीक है देखिए मतलब जो है ना मतलब ड्राई जो शब्द है इसका अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरीके से इसका मतलब हो जाता है ठीक है सुखाना या सूखना बर्तन सुखा दो ड्राई द पॉट्स बर्तन सुखा दो ड्राई द पॉट्स बढ़ते हैं आगे छीलना यानी कि पील ऑफ छीलना यानी कि पील ऑफ आलू को छील लें पील ऑफ दोटैटोज आलू को छील लें पील ऑफ दोटैटोज मसलना यानी कि मैश या क्रश ठीक मतलब है मतलब एकदम मसलते हैं ना आलू को उबले हुए आलू को मसला है कभी उस तरीके से उसको कहते हैं मसलना उसको अंग्रेजी में कहते हैं मैश या क्रश क्या कर रहे हैं उसको तोड़ दे रहे हैं बिल्कुल चकना चूर कर दे रहे हैं उसको तो क्या हो जाता है क्रश आलू मसल दो मैश द पोटैटोज या क्रश द पोटैटोज क्रश जो शब्द है वो बहुत अच्छा लगता है जब आप आइस के लिए इस्तेमाल करते हैं बर्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना वो गोले वाला गोला नहीं बनाता बर्फ को पहले बिल्कुल चूर देता है मसल देता है उसके बाद फिर उसको रोल बना करके फिर गोले में डुबा के देता है तो उस प्रोसेस को क्रश कहते हैं क्या कहते हैं उसको क्रश कर दिया उसने आइस को ठीक है तो आइस के साथ बहुत अच्छे से जाता है ऐसे इसका अर्थ जो है वो मसलना ही होता है चाहे बर्फ को मसलें या आलू को मसलें तो आप दोनों ही जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चॉप यानी कि काटना चॉप यानी कि काटना इस्तेमाल देखिए सब्जी काट दो या सब्जी को काट लें चॉप द वेजिटेबल्स सब्जी को काट दो या सब्जी काट दो या सब्जी को काट लें चॉप द वेजिटेबल्स बेलना रोटी बेलते हैं ना रोटी वही बेलना यानी कि रोल याद रखिएगा रोटी के लिए रोल का इस्तेमाल होता है मतलब जब आप रोटी मतलब रोटी टाइप का कोई चीज अगर आप बना रहे हैं जिसको आप बेल रहे हैं तो वहां पे आर ओ डबल एल का इस्तेमाल होता है ऐसे मैं बता दूं रोल जो शब्द है उसका इस्तेमाल और भी कई जगहों पे होता है और भी अलग अलग तरीके से होता है लेकिन जब आप रोटी बेलने की बात करें तो वहां पर आप रोल आर रो ओ डबल एल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मतलब बेलना होता है जब आप रोटी से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं रोटी बेल दो रोल द चपातीस रोटी बेल दो रोल द चपाती बेक यानी कि सेंकना रोटी सेकते हैं ना हम लोग उसको क्या कहते हैं 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 उसको उसको कहते कहते बेक बेक क्या कहते बेक. क्या कर उसको पका रहे रहे पका हैं ना बेक एक शब्द है जो पकाने से संबंधित के लिए इस्तेमाल होता है और जैसे कि ब्रेड पकाते हैं जैसे हमारे में हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग रोटियां खाते हैं हम आप हम लोग रोटियां खाते हैं ठीक है च्छेके? उसको क्या कहते हैं पकाते हैं कई लोग ब्रेड खाते हैं ब्रेड कैसे बनता है पका के ही बनता है तो उस प्रोसेस को बेसिकली बेक कहते हैं ठीक है तो उसको हम लोग उसको रोटी को भी हम लोग क्या करते हैं सेकते हैं मतलब बेक कर रहे हैं हम लोग ठीक है चलिए इस्तेमाल देखिए क्या आप रोटी सेकना जानते हैं डू यू नो हाउ टू बेक चपाती डू यू नो हाउ टू बेक चपाती बढ़ते हैं आगे फ्लिप यानी कि पलटना फ्लिप पलटना अब भाई बताइए ये तो हर किसी के घर में होता होगा ना अगर कोई सब्जी बन रही है तो थोड़ा सा पलट दो कोई भुजिया बन रहा है थोड़ा सा पलट दो रोटी पगरे एक तरफ पक गई है उसको पलट दो पूरी तल गई है उसको पलट दो पलटना यानी कि फ्लिप एफ एल आई पी फ्लिप रोटी पलट दो फ्लिप द चपाती रोटी पलट दो फ्लिप द चपाती गूंदना यानी कि नीड के एन ई -E ए डी नीड यानी कि गना मतलब जो मसल मसल के गते हैं ना लोग आटा हो गया या जो भी चीज आप बना रहे हैं निमकी बना रहे हैं तो आप मैदा गूंदते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नीड इस्तेमाल देखिए क्या आप आटा गूंदना जानते हैं डू यू नो हाउ टू नीड द फ्लोर क्या आप आटा गूंदना जानते हैं डू यू नो हाउ टू नीड द फ्लोर अगला है फ्लोर एफ एल ओ यू आर कई लोग इसको फ्लोर पढ़ते हैं विच इज एप्सल्यूटली रॉन्ग प्लीज मत इसको फ्लोर पढ़िएगा इट इज फ्लोर ठीक है मतलब आटा नहीं तो फिर आप वही कंफ्यूज होंगे अरे फ्लोर का मतलब फर्श होता है फ्लोर का मतलब आटा होता है कब फर्श बोलना है कब आटा बोलना है समझ नहीं आएगा नहीं उसकी स्पेलिंग होती है एफ एल डबल ओ आर दैट इज फर्श यानी कि मेज जमीन है ना जहां पे आप खड़े हैं फ्लोर एफ एल ओ यू आर फ्लोर यानी कि आटा दोनों के उच्चारण में फर्क है दोनों के स्पेलिंग में फर्क है और मीनिंग में तो जमीन आसमान का फर्क है ठीक है चलिए इस्तेमाल देखेंगे आटा निकाल दो टेक आउट द फ्लोर आटा निकाल दो टेक आउट द फ्लोर मिन्स एम आई एन सी ई मिन्स यानी कि छोटा छोटा काटना एकदम बिल्कुल बुरक देना एकदम छोटा छोटा काटना बिल्कुल महीन काटना ठीक है कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखें लहसुन को छोटा छोटा काट लो प्लीज मिन्स द गार्लिक है ना अच्छा आपने सुना होगा मिंस द मीट है ना जब कीमा बन कीमा समझ में आता है कीमा बनाते हैं जब टिक्की और या फिर कबाब बनाना होता है तो क्या करते हैं कीमा बनाते हैं हम लोग है ना तो क्या करते हैं उसमें जो भी मांस होता है उसको बहुत ही बारीक काटा जाता है उसको कहते हैं मिंस करना मतलब मिंस द मीट मिंस द गार्लिक मतलब बिल्कुल ही बारीक महीन काटने को मिंस कहते हैं समझ में आ गए अब बात प्लीज मींस द गार्लिक लहसुन को छोटा छोटा काट लो फ्राई या सोटे यानी कि भूनना जो हम लोग भूनते हैं ना कढ़ाई में सब्जियों को उसको कहते हैं या तो आप फ्राई कह सकते हैं या तो आप सोटे कह सकते हैं अगर बिल्कुल सही तरीके से बताऊं तो फ्राई जो है ना जब आप किसी चीज को छानते हैं ठीक है उसको फ्राई कहते हैं जब आप तलते हैं दैट इज मतलब जब आप हल्का मतलब तेल कम है और आइटम ज्यादा है और उसको फिर आप बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड सोटे करना है ना और जब आप तल रहे हैं जैसे पूरी क्या कर रहे हैं पूरी आप फ्राई कर रहे हैं है छान है रहे हैं पूरी को लेकिन भुजिया भुजिया आप, आप क्या कर रहे हैं सोटे कर रहे हैं आगे बात समझ में चलिए इस्तेमाल देखें प्याज भून लो भूनने को सोटे कहते हैं फ्राई द अनियन या सोटे द अनियन क्या पढ़ते हैं इसको सोटे द अनियन ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे. ग्रेटेड, कसा हुआ ग्रेटेड कसा हुआ कसा हुआ किसको कहते हैं भाई किसको किसको पता है चलिए बताती हूं. कसा हुआ गाजर लाओ ठीक ग्रेट है अब कसा हुआ गाजर हलवा खाया कभी गाजर का क्या कहते हैं उसको कद्दू कश से क्या करते हैं उसको कसते हैं है ना कद्दू कश में क्या करते हैं उसको कसते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रेटिंग है ना और उस मतलब उस जो जो आइटम तैयार होता है उसको ग्रेटेड है वो क्या है ग्रेटेड है है ना गाजर क्या है कद्दू कश कर दिया है हमने गाजर को है ना मतलब कश दिया है गाजर को दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटेड कैरेट कसा हुआ गाजर लाओ ब्रिंग द ग्रेटेड कैरेट स्पाइसी यानी कि मसालेदार स्पाइसी देखिए अब तीखा नहीं कहेंगे इसको स्पाइसी का मतलब होता है जिसमें मसाले ज्यादा हो ऐसा नहीं कि जिसमें मिर्ची ज्यादा हो वो स्पाइसी है वो स्पाइसी है बट जब आप किसी चीज को मसालेदार कहते हैं स्पाइसी कहते हैं दैट मीन कि वो तीखा है उसमें मसाले बहुत ज्यादा हैं इसी वजह से वो स्पाइसी हो गया है इस्तेमाल देखिए खाना बहुत मसालेदार है द फूड इज वेरी स्पाइसी अगर आपको कहना हो खाना तीखा है तो क्या कहते हैं हिंदी में कि खाना बहुत तीखा है है ना लेकिन मसालेदार होता है तो क्या कहते हैं खाना बहुत मसालेदार है द फूड इज वेरी स्पाइसी समझ में आ गया फर्क चलिए बढ़ते हैं आगे फूड यानी कि भोजन या खाना ये तो बहुत सिंपल सा है भोजन तैयार है या खाना तैयार है द फूड इज रेडी द फूड इज रेडी अच्छा नहीं बना या नहीं तैयार है तो नॉट रेडी और स्पेसिफिकली बोले खाना नहीं बना है द फूड इज नॉट रेडी ये आपके जवाब में बता रही थी घर में कोई पूछे खाना बन गया तो खाना अगर तैयार है तो फूड इज रेडी नहीं तैयार है द फूड इज नॉट रेडी ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे वाइप डब्ल्यू आई e वाइप यानी कि मतलब पोछना इसीलिए गाड़ी में जो सामने जो ऐसे आपके शीशे सामने ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है बड़ा सा जिससे उसको रोड दिखाई देती है उसके उसके ऊपर दो डंडियां लगी होती है अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसको वाइपर कहते हैं क्यों बारिश के टाइम पे वो शीशे को पोच करके साफ करता है वाइप यानी कि पोचना पोछा लगा दो वाइप द फ्लोर पोछा लगा दो वाइप द फ्लोर कवर यानी कि ढकना कवर यानी कि ढकना इसे ढक कर पकाओ कवर एंड इट कुछ चीजें होती है ना जो ढककर पकाई जाए तो ज्यादा स्वाद बनती हैं इसे ढक कर पकाओ कवर एंड इट क्लीन यानी कि साफ क्लीन मतलब साफ रसोई साफ कर दो क्लीन द किचन रसोई साफ कर दो क्लीन द किचन रॉ आर ए डब्ल्यू रॉ यानी कि कच्चे कच्चा कोई चीज यानी कि कच्चा है वो चीज यानी कि रॉ है क्या है रॉ है इस्तेमाल देखिए आलू अभी कच्चे हैं पोटैटोज आर स्टिल रॉ सब्जी पकाते हैं उसमें चम्मच डाल डाल करके देखते हैं उसको प्रिक करके देखते हैं कि आलू पक गया कि नहीं पक गया कि नहीं अगर आर पार हो गया तो पक गया आलू नहीं हुआ तो अभी कच्चे हैं मतलब आलू अभी कच्चे हैं पोटैटोज आर स्टिल रॉ चलिए बढ़िया आगे सर्व यानि कि परोसना सर्व करना यानि कि परोसना भोजन को परोसो सर्व द फूड भोजन को परोसो सर्व द फूड कुक्ड यानि कि पका हुआ कुक्ड यानी कि पका हुआ सब्जी पक गई है द वेजिटेबल इज सब्जी पक गई है द वेजिटेबल इज कुक्ड, कुकिंग यानी कि पकाना कुकिंग ये प्रोसेस है पकाने का प्रोसेस है ना मैं चावल पका रही हूं आई एम कुकिंग राइस मैं चावल पका रही हूं आई एम कुकिंग राइस स्क्वीज सबसे पहले ध्यान दीजिए इसको उच्चारण स्क्वीज मतलब निचोड़ना स्क्वीज़ मतलब निचोड़ना इस्तेमाल देखिए नींबू निचोड़ो स्क्वीज द लेमन नींबू हमेशा निचोड़ा जाता है ठीक है उसको मोड़ा तोड़ा तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जाता है ना उसको निचोड़ा जाता है तो स्क्वीज द लेमन नींबू निचोड़ो स्क्वीज द लेमन ब्लेंड यानी कि मिलाना ब्लेंड मतलब मिलाना मसालों को मिलाएं ब्लेंड द स्पाइसेस इसीलिए आपने कई बार दुकान में देखा होगा अगर आप मिक्सर खरीदने गए होंगे तो कई लोग उसको ब्लेंडर भी बुलाते हैं मतलब मिक्सर को मिक्सर ग्राइंडर को ब्लेंडर भी कहा जाता है कई जगहों पर क्यों कहा जाता है ब्लेंडर क्या करता है वो सभी चीजों को मिला देता है ना क्या करता है ब्लेंड का मतलब अभी क्या बताया मिलाना किसी भी चीज को मिला दीजिए भाई दूध और आम को मिला दीजिए मैंगो शेक बना दीजिए लहसुन और अदरक को मिला दीजिए लहसुन अदरक की आप मसाला बना लीजिए या फिर आप चावल और दाल को मिला दीजिए तो इडली का बैटर बना लीजिए है ना वो क्या कर रहा है ब्लेंड कर रहा है मिला रहा है चीजों को इसीलिए उसको ब्लेंडर भी कहते हैं तो मसालों को मिलाएं ब्लेंड द स्पाइसेस बढ़ते हैं आगे हिटअप यानी कि गरम करना हिटअप यानी कि गरम करना खाना गरम कर दो हीट अप द फूड खाना गरम कर दो हीट अप द फूड तलना यानी कि फ्राई छानते हैं ना छान लो आलू मतलब ये पूरी छान लो वही तलना या छानना यानी कि फ्राई पूरी तल दो फ्राई द पूरी, पूरी तल दो फ्राई द पूरी, स्वीप यानी कि झाड़ू लगाना स्वीप यानी कि झाड़ू लगाना ठीक है झाड़ू लगाना अच्छा इस्तेमाल देखिए फर्श पर झाड़ू लगाएं, स्वीप द फ्लोर फर्श पर झाड़ू लगाएं, स्वीप द फ्लोर सोक यानी कि भिगोना एसओ ए के सोक यानी कि भिगोना बादाम भिगो दो सोक द आलमंडस बाद अच्छा मैं यहाँ पे बाद की मतलब सिंग दाना की बात नहीं करी मूंगफली की बात नहीं करी मैं आलमंडस की बात कर रही हूँ जो बड़े हैं, काजू बादाम जिनको कहते हैं उनकी बात कर रही हूँ ठीक है बादाम भिगो दो मतलब आप ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि मैम यहाँ पे बादाम लिखा है यहाँ पे almonds लिखा हुआ पीनट कहा है जी नहीं बादाम यानी कि आलमंडस की बात हो रही है राइट तो बादाम भिगो दो सोक द आलमंडस बादाम भिगो दो सोक द आलमंडस मॉप यानी कि पोछा जो पोछा होता है ना जिस आइटम से पोछा लगाते हैं हम लोग उसको मॉप कहते हैं अंग्रेजी में फर्श पर पोछा लगा दो मोप द फ्लोर फर्श पर पोछा लगा दो मॉप द फ्लोर सो यस गाइज ये थी आज की क्लास क्लास उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके काम की क्लास होगी मैंने ढेर सारे शब्द मैं चुन करके लाई थी आपके लिए जो रोजाना हर रोज हमारे आपके किचन में इस्तेमाल होते हैं तो ऐसे ही कुछ और शब्दों की कलेक्शन में फिर से लेकर के आऊंगी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम ऐसी क्लासेज हमें और चाहिए जो मोस्ट हम लोग की जिंदगी से रिलेटेबल शब्द होते हैं चाहे वो ऑफिस में इस्तेमाल हो घर के ड्राइंग रूम में इस्तेमाल हो या किचन में इस्तेमाल हो या बाजार में इस्तेमाल हो या डॉक्टर की क्लिनिक में इस्तेमाल हो कहीं पे भी इस्तेमाल होने वाले जो स्पेसिफिक शब्द होते हैं उनको मैं लेकर के आऊंगी और उनका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगी तो आपको क्या करना है आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको और ऐसे किस किस चीज के ऊपर क्लासेस चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी वो क्लासेस आप तक पहुंच पाए और ये क्लासेस आप तक पहुंच पाए इसके लिए सिर्फ कमेंट करना काफी नहीं है आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को जरूर से दबाना है और इसके साथ ही सबसे शेयर भी करना है कि भाई बड़ी तगड़ी वाली क्लासेस आती है यहाँ पर तो डेफिनेटली शेयर किया करिए और उसके साथ ही बेसिक प्लस की कोर्स और उसकी ई e बुक के लिए जल्दी ही आप संपर्क कर लें ताकि आपको मिल जाए मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई e बुक भी आपको मिल सकती है ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही है साथ में और भी कलेक्शन आ रहा है तो डेफिनेटली वेट करिए व्हाट्सएप का प्रीमियम व्हाट्सएप प्रीमियम कोर्स अगर करना चाहते हैं उसकी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों के लिए बेसिक ग्रामर की कोर्स चाहिए तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल स्कूल वाले बच्चों के लिए राइटिंग की अगर क्लास चाहिए ऐसे राइटिंग डिबेट राइटिंग लेटर राइटिंग नोटिस राइटिंग और क्या नहीं ये सारी चीजें इसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो बस ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है इसकी जानकारी भी आप जरूर से प्राप्त कर लें जानकारी लेते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए और फिर जानकारी मिल जाएगी उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि अगली बैच कब से शुरू हो रही है आप पूछ लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको एडमिशन किस वाले बैच में लेना है सो यस गाइड दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेट टू बी